चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये लड़ाई सावरकर बनाम भगत सिंह की लड़ाई है। खट्टर आणके ने सब आगे बीच में माफी मांगे इस चीज की, अब भाई हमने गलत कराया और तू ये तानाशाही करके और ये रात चला रहे तानाशाही की सेगी भी नहीं चली। असी हुण पिछे हटण वाले नहीं, तुसी अपना इंतजाम कीता है ते असी अपना इंतजाम कीता है। यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां, किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, कितने लड़ पाता कोई डाउट मारोगे कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। वाली आवाज आए सेक्रेटेरिएट तक पहुंचे, लड़ेंगे लड़ेंगे। हमारी मुख्य मांगी यही है जी कि जो SDM है यहाँ का, आयुष सिन्हा जी ने सिर पाड़ने की चुनौती दी थी किसानों की, उसको बर्खास्त करवाने के लिए मुख्य मांग हमारी ये है। और जो किसान भाई हमारा शहीद हुआ था उसके बेटे को सरकारी नौकरी और उनको मुआवजा दिलवाने की ये हमारी मुख्य मांग है। 25 लाख जितने हमारे ये दोषी किसानों के सर फोड़े हैं, हम सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। खट्टर आणके ने सब आगे बीच में माफी मांगे इस चीज की, अब भाई हमने गलत कराया और तू ये तानाशाही करके और ये रात चला रहे तानाशाही की सेगी भी नहीं चली। ये नु मान लियो रामा दल हो जाएगा, जो रावण था किसी की नहीं मानना था, 3 लोग का राजा था, ये तो सिर्फ 1 लोग का है मोदी तो, वो भी नहीं छोड़ा था, ये और रामा दल है, ये सोच लियो आगे बढ़ता जाएगा, सोचा पूरा भारत एकजुट हो जाएगा और लड़े भी गा और जीते भी। ये लड़ाई सावरकर बनाम भगत सिंह की लड़ाई है। साथियों हमें अपना सर कटाना पड़ा तो सर कटा लेंगे, तो आपके नुमाइंदे जो अभी प्रशासन से बात करने जा रहे हैं उससे पहले एक बार दहाड़ दिखा दीजिए ताकि उस प्रशासन का पसीने छूट जाए। एक बार सारे भाई नारा लगाएंगे, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। अगर ये मुआवजे की मांग जो है और SDM को बर्खास्त करने की मांग जो है अगर ये नहीं मानी जाती तो आप लोग हैवी हो जाएंगे जी। किसान मतलब डटे हुए हैं कि चाहे वो 3 कानून हटाने की बात हो या फिर SDM को हटाने की बात हो, सब हटाने के लिए 302 की। जब एक आम नागरिक पे 302 लग सकती है तो क्या SDM पे नहीं लग सकती, उन पे भी लग सकती है, वो भी तो एक नागरिक है। कानून तो सबके लिए बराबर होगा, कानून सबके लिए, कानून तो सबके लिए बराबर। किसानों के ऊपर हो सकते हैं तो SDM के ऊपर नहीं हो सकता क्या? उनके ऊपर नहीं किया गया, ये देश के जो जिनके सिर फोड़े हैं वो देश के नागरिक नहीं थे क्या? ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ DC ਤੇ SP ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ DC ਦੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਂਗੇ।
नहीं तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खच्चर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खच्चर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसान साथी कृपया ध्यान से सुने, खड़े खड़े रात नहीं कटती। मेरी करनाल के साथियों से प्रार्थना है, यहाँ टेंट मंगवा लो भाई। हमारे नेताओं का आदेश है, ये धरना हमारा परमानेंट हो गया जब तक हमारी मांग नहीं मानेगा।